अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्फ टेस्टी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा कॉलीफ्लावर चिकन, जो बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत ही आसानी से भी बन जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए मैंने क्या प्रिपेयर किया है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी तो रेड सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, साथ में जो बेल आइकन है इसको प्रेस करने से आपको मेरी वीडियोज़ पहले देखने को मिलेगी। वीडियोज़ अच्छी लगे थम्स अप दें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 2 स्मॉल साइज़ के कॉलीफ्लावर्स, जिसके फ्लोर्स मैंने कट कर लिए हैं और इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैंने नमक के पानी में भिगो कर रखा था। फिर पानी अच्छे से ड्रेन करके अभी हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 कप जितना पानी, और इसको हमें पकाना है जस्ट फॉर 3 to 4 मिनट्स के लिए। पहले तो हम इसको पकाएंगे हाई फ्लेम पर, जब उसमें स्टीम आना शुरू हो जाएगी तो हम कवर करेंगे और बस 2 मिनट के लिए हम इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे ऑन मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि हमें कॉलीफ्लावर को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा इसे पकाना है ताकि ये बस है ना 30-40% डन हो जाए, बस ज़्यादा नहीं। ठीक है, जब आप देखेंगे कि आपकी कॉलीफ्लावर अच्छे से गल गई है तो हम, अगर आपके पास बॉईल करने के बाद कॉलीफ्लावर को अगर इसमें पानी बचा होगा तो आपसे ड्रेन कर साइड में रख लीजिए। मेरे पास बिल्कुल भी पानी बचा हुआ नहीं है तो मैं इसे साइड में ऐसे ही रख लूँगी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये है, मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप चॉप्ड अनियंस, साथ में मैंने लिया है 300 ग्राम्स बोनलेस चिकन जिसके मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स कर रखा है, और हम साथ में लेंगे 1 टेबल स्पून तक भर के गार्लिक लेंगे, जिसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। आप चाहे तो गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी कुकिंग करते हैं। एक पैन में मैंने लिया है 4 to 5 टेबल स्पून जितना ऑयल, इसमें हम डाल देंगे अनियंस। अनियंस डालने के बाद हम इसके साथ हम डाल देंगे गार्लिक का पेस्ट जो कि है 1.5 टेबल स्पून हीट, डालकर हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। हमें अनियन को बिल्कुल लाल नहीं करना है, बस अनियन को हमें सॉफ्ट करना है। मीडियम फ्लेम पर इसे हम पकाने के लिए रख देंगे। हाई फ्लेम पर रखेंगे तो फिर अनियन जल सकती है आपकी, तो मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे आराम से पकाते रहेंगे। ठीक है, इतनी देर तक पकाएंगे जब तक गार्लिक का इसमें से अच्छे से खुशबू नहीं आती और हमारी अनियन सॉफ्ट नहीं हो जाती। ठीक है, जब तक हमारी अनियन हो रही है हम साइड में बना लेंगे इसके वाइट सॉस। इसमें हम वाइट सॉस भी यूज़ करेंगे, तो चलिए अभी साइड में वाइट सॉस की प्रिपरेशन करते हैं। हम एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, साथ में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना बटर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून हीप्ड मैदा। मैदा डालकर हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, यानी हम इसे स्टिर करते रहेंगे जब तक इसका कलर चेंज होके लाइट सा ब्राउन नहीं हो जाता। ठीक है, कंटिन्यू स्टिर करते रहना है आपको, बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है वरना आपका मैदा जल सकता है और सॉस में आपकी जली हुई स्मेल आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही जली बन जाता है सॉस, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बस आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, बस वो आप फॉलो कीजिए और बहुत अच्छा आपका, बहुत ही जल्दी आपका सॉस बन जाएगा। ठीक है, अभी हम इसे स्टिर कर रहे हैं कंटिन्यूस। आप जैसे देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी ना, इसमें मुझे ऑयल कम लग रहा है क्योंकि इसमें इसके लम्स बन रहे हैं, मैदे के लम्स बन रहे हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा 2 टेबलस्पून और इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ऐड करके हम इसे कंटिन्यूस पकाएंगे जब तक ये हल्का सा लाइट ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। ऑयल ऐड करने के बाद आप ये देखेंगे कि ये थोड़ा सा ना पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो हम इसे 30 to 40 सेकेंड्स के लिए और स्टिर करेंगे जब तक ये हल्का सा लाइट ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। ठीक है, इसके बाद हम इसे स्टफ को बंद कर देंगे और इसको उठाकर हम साइड में रख देंगे। थोड़ा सा 4 to 5 मिनट्स के लिए थोड़ा सा ठंडा करेंगे, इसके बाद ही हम इसे यूज़ करेंगे। इसे ठंडा क्यों कर रही हूँ मैं आगे जाकर आपको बताऊँगी। ठीक है, अभी आते हैं हमारी अनियन के साइड। अनियन हमारी अच्छी से सॉफ्ट हो गई है और गार्लिक की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है, तो इस वक्त हम इसमें एक स्टिर देंगे और फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम स्टफ़ की फ्लेम कर देंगे हाई पर, और हाई फ्लेम कर हम चिकन को स्टिर करेंगे कंटिन्यूस इतनी देर तक जब तक चिकन का कलर चेंज हो के पिंक से वाइट नहीं हो जाता। चिकन का कलर चेंज होने तक हम इसे अच्छे से स्टिर करते रहेंगे, इसके बाद ही हम आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे। ऐसा करने से ये होगा कि चिकन में जो थोड़ी सी स्मेल आती है ना, वो फ्राई करने से वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो ज़रूरी है, लाजिम स्टेप है, आपको करना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद हम जब देखेंगे कि इसका कलर वाइट हो गया है तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे जो कि है 1/2 टीस्पून हीप्ड
ब्लैक पेपर पाउडर एंड 1 टीस्पून लेवल्ड या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, सॉल्ट डाल देंगे। ठीक है, तो टोटल हमने डाला है इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर एंड 1 टीस्पून लेवल्ड सॉल्ट। ये स्पाइसेस डालकर भी हम इसे सॉटे करेंगे ऑन हाई फ्लेम फॉर अनदर 30 to 40 seconds के लिए। इसके बाद आप चिकन को तोड़ कर चेक कर लीजिएगा, आपकी चिकन अच्छे से टूट रही है आराम से, तो मतलब आपकी चिकन गल गई है। तो फिर हम इसमें हम ऐड करेंगे बॉयल की हुई कॉलीफ्लावर। पानी अच्छे से निकला हुआ होना चाहिए, कॉलीफ्लावर में बिल्कुल भी पानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ज़रा भी पानी नहीं चाहिए हमें कॉलीफ्लावर में। ठीक है, तो बेटर है कि आप इसे छन्नी में डालकर पहले से रख लें। ठीक है, अभी हम कॉलीफ्लावर के हिसाब से स्पाइसेस ऐड करेंगे, जो कि होगा 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर एंड 1/2 to 3/4 टीस्पून जितना हम डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एक हल्का सा स्टिर देंगे, बहुत ही आराम से स्टिर दीजिएगा ताकि आपकी कॉलीफ्लावर टूटे नहीं। ठीक है, इसके बाद हम इसे कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे कुक करेंगे फॉर 4 to 5 मिनट्स। 4 to 5 मिनट्स में अभी कॉलीफ्लावर बहुत अच्छी तरीके से गल जाएगी। अभी ये देखिए, हमने जो साइड में हटाकर मैदे का जो मिक्सचर रखा था हमें ठंडा होने के लिए, तो 4 to 5 मिनट्स हमने इसलिए रखा था ताकि हम जब इसमें मिल्क ऐड करें ना, तो इसमें लम्स ना बने। इमीडिएट हम गरम गरम मैदे के मिक्सचर में अगर दूध ऐड करेंगे ना, तो फिर वो बहुत ही पॉसिबिलिटी होगी कि इसमें लम्स बन जाए। ठीक है, तो हम इसको 5 मिनट्स के लिए ठंडा कर देंगे, इसके बाद हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। तो टोटल हमें इसमें ऐड करना है 2 कप्स मिल्क, पर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, सारा एक साथ ऐड नहीं करेंगे। जैसे आपने देखा है, मैंने पहले थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है, उसको पहले अच्छे से स्टीर किया है, जब वो स्मूथ पेस्ट बन गया तो फिर दोबारा से मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है, फिर से अच्छे से स्मूथ किया है, फिर हम बाकी का मिल्क ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले मैंने 1 कप थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया था, ये दूसरा वाला कप है, दैट इज़ 2 कप्स मिल्क मैंने इसमें ऐड किया है। हम यहाँ पर वाइट सॉस बना रहे हैं। ठीक है, अब तक मैंने स्टफ को ऑन नहीं किया था, अभी जब मिक्सचर बहुत अच्छी तरीके से लम्स फ्री हो जाएगा, तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे और स्टफ को ऑन कर देंगे। इसमें मैंने डाला है 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे और इसे अच्छे मिक्स करेंगे। बेटर है आप मिक्स करते वक्त विस्क का इस्तेमाल करें ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। जैसा ही आपका मिक्सचर हीट होगा, वो लम्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो आप इसे छोड़िएगा मत, आप कंटिन्यूस इसे स्टीर करते रहिएगा एंड 1-1.5 मिनट में आपका मिक्सचर है ना थिक हो जाएगा। फौरी तौर पर ये थिक हो जाता है, तो छोड़िएगा मत, बस जल्द ही ये काम हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने स्टफ को, आप जैसे देख सकते हैं, ये अच्छा सा थिक हो गया है, मैंने स्टफ को ऑफ कर दिया है, और जैसा मुझे मिक्सचर ना थोड़ा सा ज़्यादा थिक लगा, तो मैंने 1/4 कप जितना मिल्क ऐड किया है, क्योंकि मिक्सचर हमें ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए और ज़्यादा लूज़ भी नहीं चाहिए। आप जैसे कंसिस्टेंसी चेक कीजिएगा, देखिए कंसिस्टेंसी आपने देखा है कि बस इतनी ही हमें थिक रखना है। ठीक है, अब 4 to 5 मिनट्स के बाद हम हमारी कॉलीफ्लावर चेक करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें पानी रिलीज़ हो गया है, तो फ्लेम कर देंगे हाई पर और अब इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर लीव्स और इस पर हम डाल देंगे वाइट सॉस। अगर आपके पास कॉलीफ्लावर जब कुक होने के बाद पानी ज़्यादा रिलीज़ हो गया, तो हाई फ्लेम पर आप इसे कुक कीजिएगा, फर्दर प्रोसेस आप हाई फ्लेम पर कीजिए। ठीक है, इसके बाद वाइट सॉस डालने के बाद हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। चीज़ आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, मोज़रेला या फिर चेडार, या फिर यहाँ पर तो मैं दोनों मिलाकर डाल रही हूँ। अगर बिल्कुल भी कॉलीफ्लावर में पानी ना होगा, तो फिर आप इसे लो टू मीडियम पर रखकर पका सकते हैं। अगर पानी ज़्यादा रिलीज़ हो गया है, तो फिर आप इसे हाई फ्लेम पर पकाइएगा। ठीक है, चीज़ डालेंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से कोरिएंडर लीव्स, कवर करेंगे और इसे पकाएंगे 1.5 to 2 मिनट्स के लिए। इतनी देर में हमारी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और हमारी डिश हो जाएगी रेडी। ठीक है, मिलते हैं डिश रेडी होने के बाद। ये देखिए जी, मैंने स्टफ को कर दिया है बंद, हमारी डिश बन के रेडी हो गई है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है, तो ज़रूर बना कर देखिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है। जो लोग कॉलीफ्लावर पसंद नहीं करते ना, उन्हें भी ये डिश बना कर दीजिए, बहुत पसंद आएगी, वो भी बहुत शौक से कॉलीफ्लावर खाने लगेंगे। चलिए अभी सर्व करते हैं। इसको मैंने सर्व किया था कोई चिप्स के साथ, क्रिस्कस मैंने सर्व की थी इसके साथ। आप चाहे तो फ्रेशली पोटैटोज़ बेक कर लीजिएगा या फिश पे, या फिर पोटैटोज़ फ्राई कर लीजिए और उसे सलाद के साथ सर्व कीजिए, तो हो गया आपका कंप्लीट डिनर। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनती है, मैंने इसे सर्व किया था क्रिस्कस के साथ और सलाद के साथ, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही डिफरेंट सी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। तो हमें याद रखिए, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।